बड़ी खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज पौड़ी दौरा है। तो 11:10 पर जयहरी खाल में सीएम धामी का कार्यक्रम होगा। उसके बाद 11:30 भक्त दर्शन के कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि सीएम धामी की कैबिनेट बैठक भी आज होनी है। तो 4:00 से सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। अनुपूरक बजट का प्रस्ताव आ सकता है इस कैबिनेट की बैठक में। इसके अलावा नकल रोधी विधेयक का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है। तो शहरी विकास विभाग से जुड़े प्रस्ताव भी इस कैबिनेट की बैठक में आ सकते हैं। तो आज की महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है वो रखे जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पौड़ी के दौरे पर हैं, जहां पौड़ी में कई कार्यक्रमों में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। तो ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अवनीश गुप्ता जुड़ चुके हैं। अवनीश, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी के दौरे पर हैं, क्या कुछ अपडेट सीएम धामी के दौरे को लेकर? इसके अलावा आज कैबिनेट की बैठक भी होने वाली, तो कैबिनेट की बैठक में कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाएंगे? सर, बात करें हम पुष्कर सिंह धामी की, अभी कुछ देर बाद गया है वो वहाँ पे, जो राजकीय भक्त दर्शन राजकीय महाविद्यालय है उसका जो है स्वर्ण जयंती समारोह है, उसमें वो शिरकत करेंगे। उसके बाद वापस जो है वो यहाँ पर जो है देहरादून पहुंचेंगे। सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक होनी है, उसमें वो शिरकत करेंगे। ये जो बैठक है काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि 29 तारीख से जो है विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है, ये जो है 28 सत्र इस साल का। उसमें कई महत्वपूर्ण, जैसे धर्मांतरण का मामला था उसको लेके है, समानता जो है वो नागरिक समानता का जो है वो बिल है वो पास होना, ये तमाम चीजों को लेके जिस तरीके से बात करें, रोजगार की बात करें, और यहाँ पे लगातार जिस तरीके से विपक्ष हमलावर हो रहा था अंकिता को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं कोई बहसपूर्ण जो है यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं। जी अवनीश, अगर बात करें तो अनुपूरक बजट का प्रस्ताव भी आ सकता है कैबिनेट की बैठक में, तो ये किस तरह से प्रस्ताव होगा? इसके अलावा नकल रोधी जो विधेयक है उस पर भी बात हो रही है। बिल्कुल, देखिए नकल निरोधी यहाँ पे लगातार काफी पहले से चल रहा था, ये विधेयक पास होने की बात चल रही थी, जिसको लेकर आला की गया है यहाँ पर बात थी, जो विपक्ष था इससे कहीं मुंह खोलने को तैयार नहीं था। कभी ये देखा जाए तो ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था, नकल विरोधी अगर विधेयक बन जाता है इससे तो है जो छात्र हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको यहाँ पे जरूर फायदा मिलेगा। और जो अभी बात चल रही थी जो यहाँ पे धर्मांतरण की बात को लेकर, उसमें भी कहीं ना कहीं जो है वो मोर लग सकता है। जी अवनीश, धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो आज आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कई कार्यक्रम हैं। आज आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी के दौरे पर रहेंगे, इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में भी शामिल होंगे, और आज कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे। तो करीब 4:00 सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी, इसमें अनुपूरक बजट, नकल रोधी विधेयक और शहरी विकास से जुड़े प्रस्ताव जो हैं वो इस बैठक में रखे जा सकते हैं।